लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत दुख हुआ। मुझे तो बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। कितनी अच्छी थी बेचारी, बहुत ही नेक दिल इंसान। अरे देवी थी देवी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी बहन गुजर गई हो। और मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी बीवी गुजर गई हो। नहीं, मतलब मेरी बहन गुजर गई हो। हे भगवान, कितना जुल्म किया है भाई साहब पर। कितनी अच्छी इंसान, अगर उठाना ही था तो मुझे उठा लिया होता। हाँ, इसे उठा लिया होता। कैची की तरह जबान चल रही थी तुम्हारी वहाँ पर। वो बात ऐसी थी भगवान कि मैं जरा इमोशनल हो गया था। हाँ हाँ, दूसरे की मरी हुई बीबी हो तो भी तुम्हारी इमोशन टपकने लगती है। चाची चली गई। अब हम कैसे जिएंगे चाचू? चाचू नहीं, चाचू नहीं, ओए 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 नहीं, चाचू रोड़ेगा। अरे बदलो चाचू, बदलो ये भतीजे साहब है। पूरा खानदानी ड्रामेबाज है। अरे चाचा रो रहे हैं कि हंस रहे हैं? रो रहे बीवी की याद में, तुम्हारी तरह नहीं है। देखो कितना प्यार करते थे अपनी बीवी से। देखो तो कैसे जार जार रो रहा है। और एक तुम हो कि मैं आज मरूं तो कल दूसरी ले आऊं। अरे मरी बीवी पे तो हम भी प्यार जता देंगे। अरे दीवार से सर दे मारेंगे, मंदिर बनवा देंगे तुम्हारी याद में। एक मौका तो दो। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है,
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है भाई सत्य है, राम नाम 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 सत्य है, गए तुम लोग।
लाश को मिलाकर अब तक 18 लाशें दे चुके हैं हम। कब शुरू होगा हमला? कब खत्म करोगे शक्तिमान को? मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, इन लाशों से ज़ॉम्बी बनाकर, और मेरे इशारे पर चलने वाला एक गैंग तैयार कर लिया है, ज़ॉम्बी गैंग। ये ज़ॉम्बी क्या है? लाशों से ज़ॉम्बी बनाने का मतलब? आम ज़बान में यूं समझो कि ज़ॉम्बी मतलब चलती फिरती लाशें। तो कब करेगी ये ज़ॉम्बी शक्तिमान पर हमला? बैल की तरह बिहेव मत करो, सींग उठाया और मार दिया दीवार में। आज तक तुम यही करते आए हो ना, नतीजा क्या हुआ? शक्तिमान को तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे सींग जरूर टूट गए। इलेक्ट्रिक मैन, स्टोन मैन, केकड़ा मैन, कपाला, कष्टक और न जाने कौन कौन, सबके सब शक्तिमान को मारने गए थे ना, और खुद चूहे बनकर बिल में घुस गए। कभी सोचा है इसकी वजह क्या है? क्या है? अपनी ताकत बढ़ाना ही काफी नहीं, दुश्मन की कमजोरी को भी ढूंढना बहुत जरूरी है। उसकी कोई कमजोरी नहीं है। अगर इंसान की कोई कमजोरी ना हो तो वो भगवान बन जाएगा। शक्तिमान इंसान है, उसके पास कुछ शक्तियां हैं तो कुछ कमजोरियां भी होंगी, ये तो कुदरत का उसूल है। मैं शक्तिमान का दिमाग पढ़ना चाहती हूँ, आखिर वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, किन चीजों के बारे में भावुक है, वगैरह वगैरह। पर उसकी कमजोरी का पता कैसे लगे? मुझे शक्तिमान का एक्सरे और कैट स्कैन चाहिए। ठीक है, जब शक्तिमान को खांसी या जुकाम होगा और वो हॉस्पिटल आएगा तो कर देंगे उसका एक्सरे और कैट स्कैन। सड़ा डॉक्टर, लेकिन ये होगा कैसे? अगर शक्तिमान किसी जगह पर आ जाए और हमें पहले से पता हो तो मैं वहां मशीन इंस्टॉल कर दूंगी, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, फिर तो आसान है, शक्तिमान को बुलाना हमारा काम है। वो लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकता, वो उन लोगों को बचाने आएगा और अपनी अर्थी का इंतजाम खुद करके जाएगा। लोगों को बचाने आएगा? आखिर कहां से आता है वो, इसी दुनिया से या कहीं और से? कहां रहता होगा वो?